Hello everyone, I'm on this side. Welcome all to our YouTube channel. Hope you all are doing great. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन टी के ऊपर. सर, ग्रीन टी के क्या क्या यूजेस है, कौन आप ग्रीन टी को किस टाइम पे यूज़ कर सकते हो, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, किन किन लोगों को ग्रीन टी को यूज़ करना बिल्कुल ही अवॉइड करना है, इस वीडियो में हम उस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं. आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ भी हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उसको इंक्लूड करते टाइम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है. सो ग्रीन टी के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप ग्रीन टी को अपने घर में भी उगा सकते हो और आपको मार्केट में भी ईजिली अवेलेबल है. तो अगर अब मैं आपके सामने ग्रीन टी का प्लांट लेके आई हूँ, यू कैन सी, ये ग्रीन टी का प्लांट होता है. आप इसको इजीली अपने घर में किसी स्मॉल पॉट में उगा सकते हो, जैसे कि मैंने अपने घर में उगा रखा है. और या फिर आपका सेकंड ऑप्शन है कि आप कोई भी ब्रांड का ग्रीन टी यूज़ कर सकते हो, वो आपका सेकंड ऑप्शन. अगर आपके पास उगाने का टाइम नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप खुद उसको बना सकते हो, तो आप रेडीमेड बनी बनाई ग्रीन टी का यूज़ कर सकते हो. तो जैसे हम सबको पता है कि पैंडेमिक के टाइम पे लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो गए थे अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके, और ये बहुत अच्छी बात थी. लेकिन जैसे जैसे अभी सिचुएशन थोड़ा बेटर होना शुरू हुआ है, तो हो सकता है कि लोग फिर से अपने पुराने अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लौटना शुरू हो जाएं. बट ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है. उस हेल्दी हैबिट्स आपने अपनी लाइफ में ऐड की, आपको उसको कंटिन्यू रखना है. बात का ध्यान आपको रखना है कि आपको उन चीज़ों को चेंजअप करने की जरूरत नहीं है. सिचुएशन अभी भी थोड़ी संभली है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से उस चीज़ से बाहर नहीं आए हैं. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अभी भी आपकी हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके पैंडेमिक के टाइम पे थी. तो अभी बात करते हैं कि जब भी आप ग्रीन टी को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो तो आपके लिए कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो. ग्रीन टी में भी कैफीन, टैनिन और ओलिफिनॉल पाए जाते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी जो हमारी नॉर्मल टी होती है उससे थोड़ा कम होता है. इसलिए ग्रीन टी लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गैस की प्रॉब्लम, चक्कर आना, हाई बीपी, डाइजेशन इश्यूज या फिर हार्ट रेट का इंक्रीज़ होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है. ग्रीन टी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जितना मन करेगा आप उतनी पी सकते हो. आपको ग्रीन टी कब पीनी है, कितनी क्वांटिटी में पीनी है और किन लोगों को ग्रीन टी को अवॉइड करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी. ग्रीन टी के 2 कप आराम से ले सकते हो, मैक्स टू मैक्स 3 कप्स आप ले सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा ग्रीन टी आपको नहीं लेनी है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. खाना खाने से एकदम पहले, खाना खाने के बीच में और खाना खाने के एकदम बाद आप ग्रीन टी का यूज़ नहीं करोगे, और ना ही खाली पेट आपको ग्रीन टी का कभी भी यूज़ करना है. तो जब भी आप ग्रीन टी लेना चाहते हो, खाना खाने से 1.5 घंटे पहले या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद में आप ग्रीन टी का यूज़ आराम से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सोने से एकदम पहले आपको ग्रीन टी कभी भी नहीं पीनी है, इससे आपकी नींद में दिक्कत आ सकती है. और अगर आपको रात के टाइम पे ग्रीन टी का यूज़ करना है तो कम से कम खाने से 2 घंटे पहले आपको ग्रीन टी का यूज़ करना है, ताकि आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो. और ग्रीन टी में कभी भी आप दूध या फिर शक्कर मिक्स नहीं करोगे. अगर आप ग्रीन टी में दूध या फिर शक्कर ऐड कर देते हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा असर होने वाला है, गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी. तो इसलिए आप चीज़ आपको अवॉइड करनी है. आप चाहो तो आप ग्रीन टी में हनी ऐड कर सकते हो, वो आपके लिए यूज़फुल है. बट उसके लिए भी आपको खुद को चेक करना है कि आपके लिए वो चीज़ सही है या फिर नहीं है. तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है. तो अभी हम बात करते हैं ग्रीन टी के क्या क्या यूजेस होते हैं. ग्रीन टी वेट लॉस में हेल्प करती है, ग्रीन टी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है, यानी शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है. ग्रीन टी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिससे वो आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम्स को हेल्दी रखेगी. ग्रीन टी ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है, ग्रीन टी याददाश्त को बढ़ाने में मदद करेगी,
प्रोडक्ट है, तो ये सारे बेनिफिट है जो आपको ग्रीन टी से मिलते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि किन किन लोगों को ग्रीन टी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और यूज़ करने से पहले एटलीस्ट उन लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इन लोगों को गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उन लोगों को ग्रीन टी अवॉइड करनी है। जिनकी स्किन ड्राई हो, जो लोग एस्पिरिन का यूज़ कर रहे हो, जो लोग अल्कोहल या ड्रग का यूज़ कर रहे हो, जिनको किडनी या फिर लीवर की कोई भी प्रॉब्लम हो, जिनके लंग्स वीक हो, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, जिनकी हार्ट बीट बड़ी रहती है, उन लोगों को ग्रीन टी बिल्कुल अवॉइड करनी है। उनके लिए ग्रीन टी का यूज़ करना बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप ग्रीन टी का यूज़ करने वाले हो, कि आपके लिए ग्रीन टी यूज़फुल है या फिर नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप इस वीडियो में कुछ ऐसा हो जो आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग नॉलेज को थोड़ा और इंक्रीज़ कर सकेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रेस दैट लाइक बटन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल नाउ एंड प्रेस दैट बेल आइकन, सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। और अब भी बात करते हैं कि मैंने सेल्फ डिफेंस के रिगार्डिंग वीडियोस बनानी क्यों बंद कर दिया। एक्चुअली मैंने बंद नहीं किया, बस थोड़े टाइम के लिए उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। अभी मैं आपको वो रीजंस नहीं बता पाऊँगी कि क्यों मैंने बंद किया है, लेकिन बहुत जल्द मैं सेल्फ डिफेंस वीडियोस को लेकर वापस आऊँगी। तब तक हम लोग कवर करेंगे फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।